एपीजे स्कूल चरखी दादरी से मैं फाइन आर्ट्स टीचर सतवीर बोल रहा हूँ। आज हम एक बर्थडे सीन बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे, फिर हम ब्लैक स्केच से या ब्लैक मार्कर से या ब्लैक पोस्टर कलर की हेल्प से आउटलाइन करेंगे। इसमें हम एक बर्थडे बॉय बना रहे हैं, बहुत सिंपल है। ये हम बर्थडे बॉय बना रहे हैं, बहुत इजी ड्राइंग की है हमने। और इसकी आउटलाइन कर रहे हैं ब्लैक स्केच पेन से। ये बर्थडे बॉय केक काट रहे हैं। और हम इसमें पेंसिल कलर करेंगे। ये हम बैलून्स बना रहे हैं कुछ। कुछ हम छोटे बैलून्स बना रहे हैं। हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बिल्कुल स्लो करना है। ये स्टार्स बनाए हैं। ये स्टार्स बन गए हमारे। अभी हम बैकग्राउंड में बर्थडे भी लिखेंगे। ये डिजाइन के अंदर हैप्पी बर्थडे लिखेंगे हम। इसमें हम हैप्पी बर्थडे लिखेंगे बैकग्राउंड में। हो गया। ये हम नाम भी लिखेंगे, हैप्पी बर्थडे सोनू। ये हो गया अपना। साथ में चक्कू भी देना है भाई। आप हम केक बना रहे हैं। ये केक बन गया है, बड़ा सा केक बनाएंगे। और ये टेबल और बर्थडे वाले दिन फ्रेंड्स गिफ्ट तो देते हैं, तो ये गिफ्ट भी बन गए हैं बहुत सारे। ये गिफ्ट बन रहे हैं। काफी बन गए हैं गिफ्ट।
अब फ्रेंड्स के बगैर क्या मजा आएगा, तो इसलिए हम फ्रेंड्स भी बना रहे हैं। ये बर्थडे को एंजॉय कर रहे हैं। सेकेंड फ्रेंड जिन्होंने रिकैप डाली हुई है, ये फ्रेंड बन गए हैं जी, और हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है विद स्केच पेन। आप चाहें तो मार्कर ले सकते हैं, चाहें तो वाटर कलर पोस्टर कलर से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कलर करेंगे। सबसे पहले हम स्किन कलर ले रहे हैं और हम अपने बर्थडे बॉय के अंदर कलर कर रहे हैं। आराम आराम से कलर करना है, कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये हम धीरे धीरे कलर कर रहे हैं और कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप चाहें तो डार्क और लाइट कलर मिक्स कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। ये हमने सबसे पहले स्किन में कलर किया। ये स्किन में कलर किया, नेक में रह गया, गर्दन में तो करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम अच्छे अच्छे कलर करते जाएंगे जो हमें पसंद हैं, जहां जहां पे आपको पसंद आते हैं जो कलर, जो ड्रेस में करना है। अच्छे से कलर करना है, बाहर नहीं निकालना है। कलर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, फेस में तो स्किन कलर होता है, बाकी कलर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आप पेंसिल कलर करें, आप कोई भी कलर कर सकते हैं। बैलून्स में भी साथ साथ कलर कर लें जो आपको पसंद हो। कलर आपको पसंद है वो कलर करेंगे। अलग अलग कलर डिजाइन में सब में। कलर बाहर ना निकले। ये हम स्टार्स में कलर कर रहे हैं।
आप चेंज कर सकते हैं कैसे भी। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि आप चेंज कर सकते हैं। अभी हम अपने केक में कलर कर रहे हैं। कलर को थोड़ा डार्क रखें, अच्छा लगेगा, ब्राइट लगेगा। कोई कलर की बाउंडेशन नहीं है। हेयर्स में हम ब्राउन या ब्लैक कलर कर सकते हैं। ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई है। अब डिजाइन में कलर, बैलून्स में कलर हो गया है। ये हो गया कलर। अब हमारे टेबल के अंदर थोड़ा सा कलर, आराम से करना है, व्हाइट पोर्शन भी नहीं रखना है और बाहर भी नहीं निकालना है। समझ गए? सर की तरह से फास्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। बर्थडे में बैकग्राउंड में भी करना है। ये हो गया है डिफरेंट डिफरेंट कलर सब में कर। अब हमारे हैप्पी बर्थडे में भी कोई कलर करेंगे। ये देखो जी, हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। ये हो गया। अभी थोड़ा सा जो जो हमारा पोर्शन खाली है उसमें हम कलर करेंगे। ये हमारा काफी कंप्लीट हो गया है। अब हम बैकग्राउंड में कलर करेंगे।
बाकी हमारा कंप्लीट हो गया है बर्थडे सीन, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आपको भी बनाते हुए एंजॉय करना है और खाली नहीं रखना है, कोई ना कोई कलर जरूर करना है, कोई और चीजें बना सकते हैं आप, और फ्रेंड्स बना सकते हैं बर्थडे बॉय के और सुंदर कर सकते हैं, ये बिल्कुल इजी है। फिगर्स आप अपने आप ट्राई करो और बेटर बनाने की। और ये बन जाएगा आपका इजीली, कलर बैकग्राउंड में मिक्स कर सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो वो करना है। सर ने फास्ट किया है, आप स्लो करेंगे, इजीली करेंगे, आपका सर से भी बेटर बनेगा। और अभी हमारी कैंडल्स रह गई हैं, हम कैंडल में भी कोई कलर कर देते हैं। ये हमारी कैंडल में हमने कलर कर दिया और ये हो गया आपका कंप्लीट बर्थडे सीन, और सुंदर सा बनाइएगा। थैंक यू।